सुरेश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु की आदि है। सुरेश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु की आदि है। आदि है। हाँ। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से डेढ़ गुनी हो जाती है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से डेढ़ गुनी हो जाती है। डेढ़ गुनी का मतलब पता होगा तुम्हें, 3/2। मतलब अगर सुरेश 2 है तो पिता 3 है। ठीक है, क्या बताना? वर्तमान आयु बतानी किसकी? ये है वर्तमान आयु और पिता ये है इधर, ये पिता ये सुरेश। तो तुम देखो यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ भी कितने का अंतर है, एक का। तो यहाँ पे कितना साल बढ़ गए? एक। यहाँ पे एक बढ़ गए। एक की वैल्यू 20 है। अगर एक की वैल्यू 20 है तो 20 की कितनी, एक का 20 गुना है तो 2 का 20 गुना 40। यानी पिता की वर्तमान आयु 40 है, सुरेश की वर्तमान आयु 20 है। बात करें 20 साल बाद तो 20 या 60, ये 60 का हो जाएगा और ये 20 40 का हो जाएगा। 20 साल बढ़ जाएंगे तो सीधा ही बढ़ जाएंगे 20 साल। तो आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर क्या था भाई? 11 था। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर क्या है बता दियो। 13। क्वेश्चन नंबर 13, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के 5 गुनी है। ठीक है, आगे बढ़ो। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। 5 वर्ष पहले प्रेजेंट आयु 25 है, 24 के अंदर नहीं आ गया। तो यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 24 का है, तो कितने से गुना करूँ? 6 से कर दूँ। 6×5=30। इसे काट, इसे अनुपात को काट देंगे, 6×6। तो तुम देखो कितने साल पहली बात है, 5 ही है और 5 साल ही कह रहा। तो क्या बताना भाई? सरिता की वर्तमान आयु है 30, उसके जो पुत्र है उसकी कितनी है? 6। आसान क्वेश्चन था। और बताओ क्वेश्चन नंबर 14, वीणा की वीणा तथा राहुल की आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश और राहुल 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु बताने में कितनी होगी? ठीक है जी, देखो भाई राहुल यहाँ पे कितना है? 7। राहुल यहाँ पे कितना है? 3। राहुल तो एक आदमी है ना, तो राहुल की बराबर आयु होनी चाहिए। हमने कहा जी एक काम करो, आप यहाँ 3 से गुणा कर लो और यहाँ पे 7 से। तुम देखो 3×5 और 3×7=21, 7×5=35 और 7×3=21। अब तुम देखो राहुल यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21। राहुल सेम हो गया, नहीं हो गया? राहुल सेम हो गया। तो ये जो वीणा है ये कितना हो गया? 15 है। वीणा 15 है और असलियत में भी वीणा 15 ही है। किताब में भी यही कहा गया कि वीणा की आयु 15 है वर्तमान में, यहाँ भी क्या होगी? 15 ही होगी। इसका मतलब दिनेश की असलियत में फिलहाल वर्तमान में कितनी है? 35 ही है। 4 साल बाद पूछ रहा दिनेश कितने का हो जाएगा, तो 35+4 कितने का हो जाएगा? 39 साल का हो जाएगा। 4 साल। क्वेश्चन नंबर 16, हमारी माँ की आयु भाई की आयु 3 गुनी है। यानी भाई की अगर 1 है तो माँ की कितनी है? 3 है। एक्स ही मान लो 3x तथा मैं भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। देखो मैं यहाँ देखो जानते हैं भाई कितना है? x। भाई तो x है ही, मैं भाई से भी, देखो मैं भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ, यानी मेरी आयु x तो है ही है, प्लस x का 1/3 और है, यानी 3×3 और 1 4x/3 है मेरी आयु, 4x/3। आगे 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। देखो मेरी वर्तमान आयु कितनी है फिलहाल? 4x/3। 4x/3 4 वर्ष पहले कितनी थी? इतनी थी। और ये जो मेरी आयु है या भाई की वर्तमान आयु के बराबर थी, एक्स के बराबर थी। ठीक है जी, तुम देखो 4x/3 इस एक्स को उधर ले आई और 4 उधर ले गए, तो 3×4x/3 गए, x/3=4, x बराबर आ गया 12। यानी अगर माँ की आयु पूछ रहा तो 12×36, मेरी पूछ रहा तो भाई की निकल गई कितनी? 12 और मेरी है 4×12/3, 3×4=16, मेरी निकल गई 16। क्या बताना भाई? माम की पूछी तो 36।